All right, so we'll go ahead with next question. अभी अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं वापस एक बार कल का एक क्वेश्चन था जिसमें अभी भी कंफ्यूजन दिख रहा है, मैं वो कंफ्यूजन पहले क्लियर कर देता हूँ। एक सिलेंडर था, उस पे एक वायर हमने वाउंड करके रखा था, उसके नीचे लोड था, वहां पे टॉर्क इक्वल टू आर एफ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नहीं करना है, उसका रीजन बताया था मैंने आपको कि जो नीचे लोड है, अगर आपको लोड का शेप भी स्फेरिकल बोल दिया, उसका भी रेडियस दे दिया, सिलेंडर का भी रेडियस दे दिया, तो वाइल डूइंग कैलकुलेशन मे बी यू आर कंफ्यूज्ड और आप वहां पे सिलेंडर की जगह पे स्पीयर जो लोड है उसका रेडियस सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि वो मत करना। इट डज नॉट मीन कि वहां से आंसर नहीं आएगा आपका, वो आएगा। इट इज जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, अगर लोड का शेप दिया है तो, अदरवाइज इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अ टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन अ 5 किलोग्राम व्हील हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स। द एंगल कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकंड विल बी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। टॉर्क आपको बताया हुआ है 330 न्यूटन मीटर। मास दिया हुआ है, मास हाउ मच इज मास 5 kg। और क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दैट इज हाउ मच 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और आपको टाइम बता दिया, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। और क्या पूछा है, एंगल। एंगल कवर्ड मतलब क्या होता है, थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करते हो, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, बराबर। उसमें से ओमेगा इनिशियल इज जीरो, क्योंकि जब तक तुम टॉर्क लगाओगे नहीं तब तक वो व्हील रोटेट होगा नहीं, तो ओमेगा इनिशियल क्या है, जीरो है। हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क बाय आई, ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो थीटा इक्वल टू हाफ, अल्फा इज टॉर्क बाय आई इंटू टी हो गया। हाफ टॉर्क का वैल्यू कितना है, 30 था ना टॉर्क, यस। आई कितना है, आई हाँ टी स्क्वायर है, लेकिन ये आई कितना है, 2 दिया है ना, 2, यस। और टी मतलब 10 का स्क्वायर, तो टू सिंपल कितना आया, 7। 100 बाय 4 इज 25, 25 इंटू 30 इज 750, तो 750 रेडियन आएगा ना, कि डिग्री आएगा, रेडियन, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो रेडियन, 750 रेडियन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वाइट सिंपल। अ फोर्स 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल पी इन एक्स जेड प्लेन। तो एक पी पार्टिकल है जो एक्स जेड प्लेन में है, इस पे एक फोर्स एक्ट हो गया। द फोर्स एफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो फोर्स है एफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द पार्टिकल पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग पी विद द ओरिजिन मेक्स एंगल 30 विद द एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज, सिंपल क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, नहीं वेट, आई अल्फा कब, जब आपको एक रिजिड बॉडी दिया हो तब आई अल्फा, उसका मोमेंट हमेशा पता होता है। ये से सिंगल पार्टिकल है, आर एफ साइन थीटा, जब सिंगल पार्टिकल हो तो नॉर्मली यू यूज आर एफ साइन थीटा, और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है आपको। आर की वैल्यू कितनी है, 3, एफ कितना है, 2, साइन 30 कितना होता है, कितना होता है, हाफ, तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3, तो आंसर इज 3। चलो अगला क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने कल देखा था,
सेम टाइप का क्वेश्चन है, अ कॉर्ड इज बाउंड ओवर द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील, सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए फ्लाई व्हील इज लाइक अ डिस्क। देखा है फ्लाई व्हील? देखा नहीं है आपने, उसके साथ खेला है बचपन में, एक डिस्क होती थी दैट यू थ्रो, उसको फ्लाई व्हील बोलते हैं, वो डिस्क होता है राइट, किसी किसी का रिंग भी हो सकता है ऑफकोर्स, बट फ्लाई व्हील इज नॉर्मली अ डिस्क। तो डिस्क है तो उसका मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। सो कॉर्ड इज बाउंड ओवर द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर, मास 2.5 केजी अटैच्ड टू द कॉर्ड, देयर इज अ मास व्हिच इज अटैच्ड टू द कॉर्ड इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। तो जो फ्लाई व्हील था, यू हैव अ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील को एक कॉर्ड अटैच कर दिया आपने, इसके ऊपर रस्सी बाउंड किया, और ये जो रस्सी का एक एंड है इसके नीचे तुमने मास लगा दिया, लोड लगा दिया, विच इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। तो जो टॉर्क चाहिए इसको रिवॉल्व करने के लिए वो आएगा फ्रॉम लोड, दैट इज एफ। तो यहां से आपको मिल जाएगा फोर्स। तो सेम ही क्वेश्चन है ये, इट इज द सेम थिंग दैट यू ऑलरेडी डन। तो ये जो लोड फोर्स प्रोवाइड करेगा वो क्या करने वाला है, सिस्टम को रोटेट करवाएगा। तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। क्या फाइंड करना है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब क्या फाइंड करना है, अल्फा, वेरी गुड। बट व्हाट इज टॉर्क, आर एफ, व्हाट इज अल्फा, आर एफ बाय आई, आई इज एम आर स्क्वायर बाय टू, ये बाय टू गया ऊपर, अगर रिंग होता तो ये टू नहीं लिखते, तो इससे तुम क्या, तुमको क्या समझ में आ रहा है, अगर रिंग होता तो आर एफ बाय एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो टू टाइम्स ऑफ रिंग, क्योंकि सिर्फ टू एक्स्ट्रा आ गया ना, तो टू टाइप्स ऑफ रिंग आएगा, कैंसिल एंड कैंसिल। फोर्स, फोर्स क्या आएगा, फोर्स वही तो मैं बोल रहा हूं, फोर्स क्या आएगा बताओ, 25। हाँ, ये एम किसका है, ये एम किसका है, ये जो रोटेट हो रहा है उसका है, डिस्क का, करेक्ट। और यहाँ पे जो m इंटू जी करोगे वो m किसका है, लोड का, लोड कितना था 2.5। तो यहाँ पे ना गलती नहीं हो, इसके लिए मैं तुमको बता देता हूँ वापस, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, इधर ही तुम फोर्स निकाल लो, 2.5 इंटू जी मतलब 25 न्यूटन, तो ये 25 न्यूटन आएगा, 25 न्यूटन अपॉन m, व्हाट इज मास, 20. What is radius of flywheel? 25 centimeter. Meter में convert करोगे तो 25 into 10 raise to minus 2. मतलब basically 1/4. क्योंकि 25 into 10 raise to minus 2 करोगे. अभी चलो 25 ऊपर है तो हम लोग cancel कर लेते हैं. Cancel, cancel. 1 जा, 10 जा. 10 into 10 raise to minus 2 is 10 raise to. ऊपर जाके, ऊपर जाके 10. तो 10 आंसर होना चाहिए ना, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अगले क्वेश्चन है वो एंगुलर मोमेंटम पे है, और एंगुलर मोमेंटम पे मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस आते हैं आपको, और बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है वो नीट के लिए आएंगे मोस्टली, एट द मोस्ट ऑफ सीईटी। A uniform heavy disk is rotating at constant angular velocity, omega about a vertical axis through its center and perpendicular to the plane of disk. हमारे पास एक uniform disk है जो rotate हो रहा है with constant angular velocity. आगे बोला है, let L be the angular momentum. A lump of plasticine, कुछ एक material होगा, उसका एक lump, जैसे मट्टी का एक मड, गीली मट्टी का एक तुमने कुछ उठा लिया, अब उसको तुमने रोटेटिंग डिस्क पे मार दिया, कोई लिखा होगा देखो, इज ड्रॉप्ड वर्टिकली ऑन द डिस्क एंड स्टिक्स टू इट विच विल बी कॉन्स्टेंट। डिस्क रोटेट हो रहा था विथ सम स्पीड ओमेगा, उसके ऊपर तुमने एक प्लास्टिसिन का एक लम्ब डाल दिया, मट्टी का एक लम्ब डाल दिया समझ लो, इसके ऊपर डिस्क के ऊपर, तो क्या कॉन्स्टेंट है, ओमेगा, नहीं, ओमेगा विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, ओमेगा कम हो जाएगा उसका, ओमेगा एन एल, नहीं, ओमेगा कॉन्स्टेंट नहीं है, एल ओनली, यस। ऐसे केसेस में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, ऑलवेज।
फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। अब इसके ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आया उसका भी रीजन है, दो तीन क्वेश्चन के बाद आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि एक डिस्क रोटेट हो रहा है उसके ऊपर एक मर का बॉल डाल दिया, राइट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ डिस्क का था और फाइनल में डिस्क प्लस मर्ड बॉल, क्योंकि मर्ड बॉल भी क्या करेगा, रोटेट होगा, करेक्ट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। और एक आएगा टाइप, डिस्क इज रोटेटिंग, अनदर डिस्क इज रोटेटिंग, दे आर रोटेटिंग सेपरेटली, अब एक के ऊपर दूसरा डिस्क लगा दिया, बोथ आर रोटेटिंग टुगेदर, तो व्हाट इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दे विल हेल्प यू टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन इट इज थ्योरेटिकल, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। नो, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ओनली व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो। इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इनर्शिया वेलोसिटी? नो, remains conserved until the torque acting on it remains constant? No, constant नहीं, zero होता है, torque constant नहीं, torque क्या होना चाहिए, zero, dl by dt equal to torque था, अगर torque की value zero होगी तो ही dl by dt zero होगा, dl by dt zero होगा मतलब l क्या होगा, constant, तो none of this, तो c मत tick करना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, कॉन्स्टेंट टॉर्क नहीं, क्लियर, पक्का, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ टर्न टेबल, मेरे पास अभी टर्न टेबल नहीं है, आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, यू रियलाइज तुम भी कर सकते हो, रिवॉल्विंग चेयर होगा ना, रिवॉल्विंग चेयर, उस पर बैठना, किसी को बोलना घुमाओ और हाथ में डंबल्स रखो खुद के, देखा भी होगा यूट्यूब पे आपने, तो जब ऐसे डंबल्स एक्सिस से दूर है क्योंकि आप चेयर पे बैठे हो, चेयर घूम रहा है, एक्सिस आपके थ्रू पास हो रहा है, जैसे ही आप मास को, डंबल्स को एक्सिस के पास में लाओगे स्पीड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जब उसको दूर करोगे स्पीड कम हो जाएगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, याद रखना। अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ टर्न टेबल स्ट्रेचिंग विथ टू इक्वल लोड्स इन हैंड्स, टू इक्वल लोड्स विथ हैंड्स एंड रोटेट्स, देन ही फोल्ड्स हिज आर्म, आर्म्स को फोल्ड कर दिया, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, नहीं, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मे बी, देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस, नो, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, यस, तो क्या बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जब मेरे हाथ में लोड थे और मेरे हाथ स्ट्रेच थे, एक्सिस पास हो रहा है राइट थ्रू माय सेंटर, तो मासेस आर अवे, मतलब डिस्टेंस इज मोर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर का मतलब क्या, अपोजिशन इज मोर, जैसे ही मैंने मासेस को यहां लाया, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए स्पीड बढ़ता है, अपोजिशन कम हो गया ना, तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, याद रखना, स्पीड बढ़ेगा, इनर्शिया कम होगा, स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर, आई कम हो रहा है लेकिन ओमेगा बढ़ रहा है, लेकिन आई और ओमेगा से डोमिनेट कौन कर रहा है, ओमेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी। तो व्हाट आई शुड हैव डन इज, यहां पे मैं आपको चार ऑप्शन देता, उसमें बोलता ए एंड बी आर करेक्ट, दूसरा बोलता मैं बी एंड सी आर करेक्ट, तीसरा मैं बोल देता सी एंड डी आर करेक्ट, और चौथा मैं बोल देता बी एंड डी आर करेक्ट, तो क्या लिखते, फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो मल्टीपल करेक्ट केस है ये,
गुड, अगेन नथिंग टू सॉल्व, थ्योरेटिकल। अब इसके आगे सॉल्व करना है, होपफुली यस, थोड़ा सा सॉल्व करना है। अ स्मॉल मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप एज शोन। इफ द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ये जो रस्सी है यहां पर टेंशन, इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टू डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ टू, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल। तो मैं पहले पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं, आई जस्ट स्लो डाउन लिटिल बिट। आपको याद है एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, शायद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एक टेबल था, टेबल पे एक मास था, एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग सेंटर के होल से पास हुआ और नीचे क्या था, लोड। याद आ रहा है? वेरी गुड गुड। मुझे अगर टेंशन बढ़ाना है तो मैं क्या बढ़ाऊंगा, लोड बढ़ाऊंगा। जैसे लोड बढ़ेगा तो जो टेबल पे मास है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होना मतलब रेडियस कम होना। तो वही केस है, सेम केस। तो व्हाट यू हैव इज एक टेबल टॉप है, लेट अस से दिस इज अ टेबल टॉप। इस टेबल टॉप के ऊपर यू हैव अ मास, पॉइंट मास। यहां पे एक रस्सी है, नीचे मैं लोड दिखा सकता हूं, आई शो, तो ये लोड आ गया। तो पहले जो रेडियस था ना वो था आर, बट टेंशन टी रेडियस आर। अब इन्होंने क्या बोला है, टेंशन इज इंक्रीज। टेंशन इंक्रीज कैसे करोगे, लोड बढ़ा के। और उस केस में रेडियस क्या हो गया, रेडियस डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ टू। तो नया रेडियस आ गया आपका, लेट अस से आर डैश। तो न्यू रेडियस इज, लेट अस से आर डैश। व्हाट विल बी आर डैश, आर बाय टू। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी का क्या होने वाला है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो बताओ। हाफ हाफ, सोच के बोलो, हाफ एम वी स्क्वेयर आई ओमेगा स्क्वेयर। वेरी गुड, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, गुड। लेकिन मैं ये फॉर्मूला एज इट इज नहीं यूज कर सकता हूँ, रीजन इज सिंपल। हमको सिर्फ बताया रेडियस हाफ हुआ, हमको स्पीड के बारे में कुछ बताया नहीं, बताया ना। तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली सॉल्व मत करना, आंसर आएगा लेकिन गलत आएगा। ओमेगा का तुमको कुछ पता है क्या? नहीं, डोंट नो, कहीं नहीं बोला। क्या बताया स्पीड के बारे में? नथिंग। तो एक काम करना, लेट्स यूज अ ट्रिक। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई। लीनियर मोशन में भी आप यही करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम करते हो, क्योंकि लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन होता है, मास। यहाँ पे कौन है, आई। आई ओमेगा कौन होता है, एल। तो क्या हो गया, एल स्क्वायर बाय टू आई, सही है। लेकिन मैंने अभी बताया रोटेशनल मोशन में वॉट इज ऑलवेज कॉन्सर्व्ड, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। कैसे कर रहा है, इनवर्स। लेकिन यू रिमेंबर आई किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे। मास तो सेम है ना, गुड। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, यू गेट काइनेटिक एनर्जी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा। तो जो डिक्रीज वाले आएंगे, डिक्रीज वाले, रेडियस कम हो रहा है ना तो एनर्जी बढ़ेगा, तो डिक्रीज वाला तो आएगा नहीं। कहाँ लिखा है डिक्रीज, बी, और कहाँ लिखा है कॉन्स्टेंट, सी। ये नहीं आ सकता अब। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस अपॉन फर्स्ट केस इज आर वन बाय आर टू का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू, 2R, ये R और ये 2R, बराबर। हाँ, अरे R2 R1 by 2 है, by 2 है इधर, बराबर है ना ये,
आर टू आर वन बाई टू, टू गया ऊपर तो क्या गया फोर टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी इज फोर टाइम्स इंक्रीज, फोर टाइम्स खत्म डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैंने आपको अभी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अराउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इट्स ओन एक्सिस, इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क इज। तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्या बोला है। एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई टू बता दिया, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओके। एक दूसरा डिस्क है आई वन, आई वन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या किया इन्होंने, एक डिस्क को दूसरे के ऊपर रख दिया। राउंड डिस्क जिसका आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इसको हमने कहां रख दिया, ऑन अनदर डिस्क, दैट अनदर डिस्क वाज रोटेटिंग। तो जो आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो डिस्क रोटेट हो रहा है क्या, नहीं रोटेट कौन हो रहा है, आई वन विथ वेलोसिटी ओमेगा। तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज एल वन प्लस एल टू, एल वन इज जीरो जीरो ना, एल टू इज जीरो, जिसका आई टू था वो रेस्ट पे था, तो एल टू इज जीरो इनिशियली। और पहले डिस्क का क्या आएगा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एल, आई ओमेगा, तो पहले का क्या आएगा, आई वन ओमेगा वन, और ओमेगा वन क्या बोला है, ओमेगा, राइट। तो ये आ गया इनिशियल। फाइनल, फाइनल एक डिस्क को तुमने दूसरे के साथ, दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया, एक डिस्क रोटेट हो रहा था दूसरा नहीं हो रहा था, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ पहले डिस्क का था, अब आपने दूसरे डिस्क को इसके ऊपर रख दिया तो दोनों डिस्क रोटेट होंगे बोथ, और एक साथ होंगे, मतलब दे बिकम वन सिस्टम, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, जैसे क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू इमेजिन, एक डिस्क है रोटेट हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम है क्या उसका, हाँ या ना, मोशन में हो तो मोमेंटम नहीं होता है क्या, क्यों होता है, होता है। मेरे पास एक डिस्क था विच इज रोटेटिंग, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला आई ओमेगा, कौन सा डिस्क रोटेट हो रहा है, पहला, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका है, पहले का, कितना है, I1 ओमेगा, दूसरे का कितना है, जीरो। अब वो दूसरा डिस्क उठाया, पहले के ऊपर रख दिया, तो ये दोनों सेम सिस्टम बन गए क्या, यस। तो ये जो नया सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 प्लस I2, वेरी गुड। तो फाइनल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल, यहाँ तक क्लियर। अब ये ओमेगा फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही तुमने दूसरे डिस्क को पहले के ऊपर रखा, अब वो दोनों एक सेम सिस्टम बन गए एंड दे आर रोटेटिंग विद कॉमन वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा फाइनल। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन आपको क्या बताता है, ऑफकोर्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, इनिशियल कितना था, आई वन ओमेगा, फाइनल कितना है, आई वन प्लस आई टू ओमेगा फाइनल, थोड़ी सी ओमेगा फाइनल, आई वन ओमेगा अपॉन आई वन प्लस आई टू, तो देखो तो कहाँ है ये, देखा कहाँ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, अभी ये जो टॉपिक है इसके मैं बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान दो। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, बॉल रोल्स, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल,
फ्रिक्शन होता है ना यहाँ पे, यस द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज के, इफ द रेडियस ऑफ द बॉल बी आर, रेडियस ऑफ गायरेशन के है और बॉल का रेडियस आर है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट विथ इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी। तो क्वेश्चन में पूछा ये है आपको, हमारे पास एक बॉल है जो रोल हो रहा है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के है, उसका रेडियस आर है, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी है, रोलिंग मोशन में टोटल एनर्जी कहाँ कहाँ से आता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी ऐसा पूछा है, दैट्स द क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन है। और आप मुझे बताओगे हाउ टू सॉल्व दिस, व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड। अभी इसके बाद ये मत बताना मुझे, इसके बाद आपने बोलना चाहिए हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ओरली सॉल्व होता है क्वेश्चन, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो इसके बाद यू हैव टू टेल मी दैट रोटेशनल एनर्जी इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, अभी याद रख लेना, ऐसा है कि नहीं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो सारे स्टेप्स गायब हो जाएंगे बीच से, मैं बताता हूँ कैसे। आपको पूछा है फ्रैक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या क्या आंसर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड। डिनोमीटर में क्या आएगा, के स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी याद रखो, दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल, मैं बताता हूँ क्यों, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, बट रिमेंबर बेटर ऑफ कि आप ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे ही फॉर्म में याद रखो, ऐसा क्यों, लुक इफ आई हैव अ हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर का के बाय आर क्या था, अंडर रूट ऑफ 2/3, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या था, 2/3 upon 1 plus 2/3 होगा ना वो। अरे नंबर्स में क्यों इतना कंफ्यूजन है, 1 plus 2/3 is how much 5/3, ऊपर 2/3 नीचे 5/3 क्या कैंसिल हो गया, 3/3 क्या बचा, 2/5 मतलब कितना, 0.4, मतलब 40% कहाँ से आ रहा है रोटेशन से, तो बचा हुआ 60% कहाँ से आ रहा है, ट्रांसलेशन से, यहाँ तक क्लियर, पक्का अगर सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 अपॉन 1 plus 2/5 मतलब 7/5 तो 2/7 राइट, 2/7 जो भी आएगा आपका फ्रैक्शन, अब दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको वैसे फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने वही बोला ना आपको कि एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ये आ गया क्वेश्चन जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, यहां ध्यान दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे अगर ध्यान होगा तो। सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी इज, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज, मतलब यही क्वेश्चन है राइट, बॉल कौन सा है, सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड बॉल है,
क्या पूछा आपको? रोटेशनल टू दैट ऑफ टोटल। तो सॉलिड के लिए क्या लिखा था तुमने? 2/5 अपॉन 1+2/5, मतलब 2/5 अपॉन 7/5, मतलब 2/7। ये मेथड 1 है। वेट, इससे भी सिंपल करेंगे। किसका रेशो पूछा है? नहीं नहीं, रेशो रोटेशनल टू टोटल है ना, रोटेशनल टू नहीं करना, क्या करना? ट्रांसलेशन टू टोटल कर लेना। बताता हूं क्यों। इससे क्या होता है बताता हूं मैं आपको। आ गया याद है ये क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये पता क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर 1+k² / r² हाफ एम वी स्क्वायर हो गया कैंसल, हो गया कैंसल, राइट। ऑफकोर्स तुम पिछले क्वेश्चन से डायरेक्टली कर सकते थे, आई एम नॉट सेइंग कि ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो k² / r² / 1+k² / r², लेकिन अगर मुझे उससे भी कुछ सिंपल करना है तो मैं ये कर लूंगा। लुक, बॉल कौन सा है? सॉलिड। व्हाट इज 1+k² / r² नहीं, ये बताओ मेरे को क्या है? 1+2/5 1+ तो कितना हो गया? 5 गया ऊपर, तो कितना आ गया? अगर 5/7 ट्रांसलेशन से आ रहा है तो 2/7 रोटेशन से आएगा, क्योंकि सम 7 होना चाहिए। तो ये कितना आया आपका? कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? जल्दी बोलो। अरे हाँ, 5/7। अगर 5/7 कहां से आ रहा है? ट्रांसलेशन से, तो रोटेशन से कितना आएगा? 2/7। 2/7 करेक्ट, पक्का? ऑप्शन बी। अब मैं इसका आपको बताता हूं होलोस्फीयर के लिए भी। होलोस्फीयर 1+2/3 व्हाट इज 1+2/3 5/3 तो 3/5 इज द रेशो ऑफ ट्रांसलेशन टू टोटल। 3/5 तो रोटेशन का कितना आएगा? 2/5 क्योंकि सम क्या आना चाहिए? 5 करेक्ट। डिस्क 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 के लिए होता है 1/2 1+1/2 3/2 तो 2/3 तो 2/3 अगर ट्रांसलेशन से आ रहा है तो 1/3 कहां से आएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व नहीं करना होता है, यू हैव टू जस्ट सी पूछा क्या है। रोटेशनल टू टोटल फाइन, तो तुमको ट्रांसलेशन टू टोटल ही करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, नहीं तो याद करते बैठेंगे। देखो देखो, याद करते बैठोगे, ऊपर के स्क्वायर था कि ऊपर आर स्क्वायर था, है ना? तो बेटर ऑफ डू दिस, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। गुड, तो मैं ये मैंने क्या फाइंड किया? ट्रांसलेशन टू टोटल, तो रोटेशनल टू टोटल, रोटेशनल टू टोटल ये होता है 1 - ट्रांसलेशन टू टोटल। मैंने वो ओरली कैलकुलेशन कर लिए थे, तो 1 - 5/7 इट इज 2/7। डन। ये फॉर्मूला कहां से है पता है आपको? ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है पता है? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने, रोटेशनल टू टोटल इज 1 - ट्रांसलेशन टू टोटल, कहां से आया? व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन? ट्रांसलेशनल प्लस डिवाइड बाय टोटल कर लो, तो टोटल बाय टोटल इज 1 इक्वल टू ट्रांसलेशन बाय टोटल प्लस रोटेशनल बाय टोटल, वहां से आ गया फॉर्मूला, बराबर। गुड, तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन सच टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। शुरुआत है अभी, ये तुमको आने वाले 6 महीने में समझेगा। पहले तो ये समझेगा कि मैंने फिल्टर क्यों किया इतना, क्योंकि स्पीड मैच होना चाहिए। फिर समझेगा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना रोटेशनल डायनामिक्स से, खासकर तो सॉल्व करने ही नहीं होते, क्वेश्चन पढ़ो आंसर है। डन। अगला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 1.2 kg/m² इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल
एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर ड्यूरेशन ऑफ। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, और क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो रफ पेज पे सिर्फ नोट कर लो क्या क्या दिया है। आई दिया है यस, बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, ओमेगा इनिशियल जीरो है पता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट, कितना चाहिए 1500 जूल। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा शुड बी अप्लाइड फॉर हाउ मच टाइम, और टी पूछा है। गुड राइट, तो क्या करेंगे अब, सिंपल सा केस है, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, आपसे टाइम पूछा है, व्हाट विल यू डू। फाइनल स्पीड मिल जाएगा, वेरी गुड। इनिशियल स्पीड आपके पास जीरो दिया था, फाइनल मिल जाएगा, तो आप लिखोगे हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 1500, आई की वैल्यू क्या थी 1.2, ओमेगा फाइनल स्क्वायर 1 जा एंड 0.6 जा, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 1500 बाय 0.6, तो क्या आ गया ये 15000 बाय 6, मतलब कितना आ गया 2 जा कितना 5000, मतलब कितना 2500, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया, कितना 50 आ गया। टाइम पूछा था, अल्फा दिया है यस, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल आ गया 50, ओमेगा इनिशियल था 0, अल्फा की वैल्यू कितनी बोली है 25, तो टी आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दो पैरामीटर दिए हैं वो पहले पता होना चाहिए, एक दिया हुआ है एन 1800 आरपीएम, अगर रिक्वायर्ड रहा तो ओमेगा मिल जाएगा, और दिया हुआ है 100 किलोवाट, किलोवाट होता है पावर, होता है पावर यस 100 किलोवाट, और पूछा क्या है, क्या पूछा है टॉर्क। अब सबसे पहले आपको टॉर्क को गिवन पैरामीटर्स के इक्वेशन में लाना पड़ेगा, एन दिया है मतलब ओमेगा मिल जाएगा करेक्ट गुड, तो टॉर्क को आप इन दोनों के पैरामीटर्स में कैसे लाओगे पहले तो वो बता दो, और अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप लीनियर इक्वेशंस का हेल्प ले सकते हो। टॉर्क मतलब फोर्स, फोर्स होता है ना, हाँ फोर्स होता है, चलो ठीक है फोर्स होता है, फोर्स पावर, यहां भी पावर वहां भी पावर, यहां पे एन, एन से ओमेगा, ओमेगा मतलब, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, वहां पे होगा वी, तो यू नो व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम गुड। अगर एंगुलर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, जो पता है वहां से स्टार्ट करो। व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड, तो व्हाट इज पावर, फोर्स इनटू स्पीड, तो पावर इज फोर्स इनटू स्पीड लीनियर मोशन में, एंगुलर में पावर विल बी टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। और अगर फिर भी डाउट है कि जो मैंने लिखा सही है कि नहीं, डायमेंशंस तो है ना हेल्प करने के लिए, डायमेंशनली चेक कर लो फिर। टॉर्क अगर आपको याद होगा, टॉर्क इज न्यूटन मीटर, होता है न्यूटन मीटर यस, ओमेगा क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन तो वैसे भी एंगल है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब पावर देखो, पावर, पावर है वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इज इन न्यूटन मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली मैच हो गया, हो गया मैच, तो इक्वेशन करेक्ट है गुड। तो इफ यू डू नॉट नो इक्वेशंस, डोंट वरी, जस्ट मेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाते हैं। क्या चाहिए था, टॉर्क, टॉर्क इज पी बाय ओमेगा,
पी बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एन, लेकिन ये जो एन है ये आरपीएम में है, आरपीएम नहीं चाहिए, और पावर भी किलोवाट में है, किलोवाट में नहीं चाहिए, वाट में चाहिए, वाट। 1800 बाय 60 आरपीएस कितना आएगा ये 30 आरपीएस। 100 इज 10 रेस्ट टू 2, किलो इज 10 रेस्ट टू 3, तो 10 रेस्ट टू 5। ओके, राइट ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। तो टॉर्क इक्वल टू पी, पावर इज 10 रेस्ट टू 5 अपॉन 2 पाई एन, 2 पाई एन, एन कितना है 30। गुड, करेंगे सॉल्व इसको। एक काम करो, कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन, पे अटेंशन हियर, यहां जान दो। कैन आई राइट डाउन 10 रेस टू 5 एज 100 इंटू 10 क्यूब? यस। 30 को मैं 15 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, 15 इंटू 2, और 2 इसको दे दिया, कितना हो गया 4 पाई। मैं ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए कर रहा हूं, बाकी कोई रीजन नहीं है। 4 पाई इज 12.5, रफली स्पीकिंग 12.5 वनजा एंड 8 जा, वेरी गुड, 8 वनजा 8 टू जा, अप्रॉक्सीमेटली 1 बाई 2 इज 0.5, 0.5 इंटू 10 रेस टू 3 इज रफली 500 न्यूटन मीटर, रफली अप्रॉक्सीमेटली, बताओ 531 कि 440। अब ये भी प्रॉब्लम है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जहाँ अप्रॉक्सीमेशन किए ना वहाँ ध्यान दो, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ किए हम लोगों ने, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन था ना, न्यूमरेटर छोटा हो 8 बाई 15 और 8 बाई 16 दोनों में से बड़ा कौन है, न्यूमरेटर छोटा हो तो नंबर बड़ा होता है ना, तो हमारा आंसर जो है वो 0.5 से बड़ा जाएगा, मतलब 500 से बड़ा, 500 से बड़ा कौन 531। फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ओनली जस्ट टू सी ये कितना आ गया 60 पाई आ गया 188.4, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, 1 / 188.4 कितना आ गया 0.00530 तो 530 आ गया 531 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या कॉन्स्टेंट है वो भी समझ लो, काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो, जोक, क्यों जोक, क्योंकि क्या बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और टू आई, मतलब आई दिया है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट बोला है और एंगुलर मोमेंटम पूछा है, आई दिया है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट बताया है, तो यू नो हमने अभी देखा था एल स्क्वायर बाय टू आई, तो एल स्क्वायर इक्वल टू टू आई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना, तो ये कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है, तो एल स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल हो गया आई को, तो फिर आपको पूछा था रेशो, तो एल वन बाई एल टू ऑफकोर्स ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लो, फिर एल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई, तो एल वन बाई एल टू इज अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू, आई वन इज आई, आई टू इज टू आई, आई आई कैंसिल हो गया 1:√2, ऑप्शन नंबर डी 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, यहां ध्यान दो क्योंकि ये क्वेश्चन भी ओरली सॉल्व हो सकता है, अब ध्यान दोगे तो, अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, वो टेबल याद है, टेबल पहला ऑब्जेक्ट याद है रिंग, रिंग में रोटेशनल एनर्जी क्या था हाफ एम बी स्क्वेयर था ना, था, और ट्रांसलेशन क्या था पक्का, तो बॉडी इज रिंग, चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं, बोला है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम है,
तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी इक्वल है, ऐसा बोला है। रोटेशनल एनर्जी कितना होता है, हाफ एम सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मैंने आज ही बताया वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ट्रांसलेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वन, कौन से ऑब्जेक्ट का होता है, रिंग का होता है ना, तो रिंग का हो गया क्योंकि के इक्वल टू आर आ जाएगा यहां से, तो ऑब्जेक्ट इज रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी इज, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल किसका, रोलिंग सॉलिड स्फीयर, व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन, सॉरी नॉट रोटेशन, रोलिंग, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना था, 2/5, व्हाट इज 2/5 प्लस 1, 7/5, और हाफ एम वी स्क्वायर बाहर था तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5 इज 7/10, तो 7/10 ऑप्शन ए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि व्हाट वी हैव डन इज टोटल एनर्जी ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सॉलिड वॉल के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 2/5, तो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस 2/5, तो हाफ एम वी स्क्वायर 7/5, तो 7/10 एम वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आया आंसर। ये भी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था, वो टेबल में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 kg/m² रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 rads/s हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज ऑफ मास ऑफ 12 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या, देखो तो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2, हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ अ मास ऑफ 12 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ। वेरी गुड, एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, एक बॉडी है जो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसका कौन सा एनर्जी, रोटेशनल, और जो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है ट्रांसलेशनल। बॉडी वन का रोटेशनल और बॉडी टू का ट्रांसलेशन एनर्जी सेम है, ऐसा क्वेश्चन है। तो जो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा था उसका स्पीड कितना है बताओ, तो बेसिकली दे आर टेलिंग यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्वेश्चन में ऐसा था, ये कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर आ गया आपका आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आई था 3, ओमेगा था 2, 2 का स्क्वायर है 4, और मास दिया हुआ है 12, कितना है 12, ऊपर न्यूमरेटर में 12 डिनोमिनेटर में 12, तो कितना आ गया 1,
v square is 1, तो v is 1, तो 1 meter per second, 1 meter per second, option D. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. उसका पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर इज लाइक अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l. प्लेन का लेंथ l है, प्लेन का लेंथ l है और हाइट कितना है h. व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम. ये भी सिंपल है, इफ यू रिमेंबर. चलो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, पहली बार बता देता हूँ, इसके बाद से तुमको इक्वेशन याद होने चाहिए. यहाँ पे एक सिलेंडर है, सम सिलेंडर विच इज रोलिंग डाउन. ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे उसका जीरो है. ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक इज जीरो, स्पीड इज जीरो. और ये जो बॉडी है ये रोल करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल बन गया जीरो, ओनली एनर्जी इज काइनेटिक, तो स्पीड उसका जीरो नहीं होगा. ये हाइट दिया हुआ है इसका h, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और ये था आपका लेंथ ऑफ प्लेन. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया l. आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम. तो इफ यू रिमेंबर, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया था कि ये जो भी थ्योरी कर रहे हैं वो एक्चुअली क्वेश्चंस है. कौन सा बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क. व्हाट इज k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क. 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, तो 2 गया 3 बाय 2, तो 2 गया ऊपर, तो 4 अंडर रूट ऑफ 4 gh बाय 3, अंडर रूट ऑफ 4 gh बाय 3, ऑप्शन बी. क्या क्या प्रॉब्लम करेगा, पर क्या परपेंडिकुलर पे है, ऐसा है कमिंग आउट. उधर एक्सिस की जरूरत ही नहीं है ना, तुमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया ना. वो तो तुम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तब पता होना चाहिए ना एक्सिस. यहाँ तो बॉडी जब रोल होगा तो इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, दैट इज इट्स ओन एक्सिस. तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ ही आएगा ना, क्योंकि डिस्क का वही आता है आर बाय रूट टू. एग्री, चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, द स्पीड ऑफ अ होमोजीनियस सॉलिड स्पीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज. सेम ही क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली नो चेंज, सिर्फ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू चेंज होगी. मतलब ये तो वही है, स्पीड ही पूछा है तो यही फॉर्मूला आएगा. व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ सॉलिड स्पीयर. तो अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 2 बाय 5, मतलब
7 बाय 5, 5 गया ऊपर तो 10 जी एच बाय 7, तो रूट ऑफ 10 जी एच बाय 7 ऑप्शन ए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल मेक बेस फॉर द अपकमिंग डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। तो ये जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया ना उसका डिजाइन वैसा ही है, बेसिक थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा एंड देन यू विल गो टू पीवाईक्यूज ऑफ जेईई एंड नीट, वहां क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर 30 सेंटीमीटर इन डायामीटर एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन 2 मीटर हाई, मतलब यहाँ पे h की वैल्यू 2 मीटर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क वाला केस हो गया, इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द इंक्लाइन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, इट्स लीनियर स्पीड एट द बॉटम इज, इट्स लीनियर स्पीड एट द बॉटम इज, ये जो बोला है ना विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है, है या नहीं है, वो बोल रहा है कि एनर्जी लॉस नहीं हुआ फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन है कि नहीं है, लेकिन रोल्स भी बोला है, रोल्स मतलब फ्रिक्शन है लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हुआ, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो अंडर रूट ऑफ 2 जी एच खत्म, क्योंकि उस केस में बॉडी रोल नहीं होता है, फिर बॉडी सिर्फ स्लाइड होता है, ट्रांसलेट होता है, तो इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोला देयर इज नो लॉस ऑन ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन रोल्स है, अगर रोल है तो फिर रोल है तो फिर आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बाय द वे सॉलिड सिलेंडर का तो अभी फाइंड किया था तुमने, क्या था सॉलिड सिलेंडर का अभी अंडर रूट ऑफ 4 जी एच बाय 3, तो 4 इंटू जी की 10 ले लेता हूँ, हाइट कितना दिया है, हाइट बोला है ना, हाइट 2 मीटर हाई, तो 2 सही है ना, तो बताओ 80 बाय 3 का सही है। अभी मैं इसको 80 को 81 मान लूं, चलता है ना, 81 का रूट कितना, 9 मतलब 3 इंटू 3 और 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 रूट 3 तो 3 इंटू 1.732 इंटू 3 इज 5.1 के आसपास तो 5